देश के प्रख्यात शायर मनोहर राणा का निधन हो गया है। कल बीती रात तकरीबन 11 बजे उन्होंने PGI में अपने अंतिम सांस ली है, और बताया जा रहा है कि डायलिसिस में थे, जो कि फेफड़ों का इन्फेक्शन था। इन्फेक्शन की वजह से लगातार उनकी जो डायलिसिस है वो चल रही थी। ये जो कांच का आप डोर देख रहे हैं, इसी के अंदर डेड बॉडी रखी गई है। तकरीबन 2 बजे सुपुर्द खाक उन्हें करने के लिए लेके जाया जाएगा, लेकिन उसके पहले नदवा कॉलेज लेके जाया जाएगा। उनकी तमाम शायरियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं, तो सुबह से उनके परिजनों का जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। उनकी तमाम शायरों में से एक रही है, जिंदगी तू कब तक कब तलक दर दर फिराएगी हमें, टूटा फूटा ही सही घर बार होना चाहिए, तुम्हारी आँखों की तौहीन है जरा सोचो, तुम्हारा चाहने वाला शराब पीता है, आपके चेहरे से भी बीमार, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, इश्क तो है तो इसका इजहार होना चाहिए। तमाम शायरियाँ उनकी जो देश दुनिया में बुलंद रही हैं, लेकिन तमाम उनके परिजन हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिरकार कब तक, कैसे कब तक सुपुर्द खाक किया जाएगा, कैसे उनकी पूरी जो प्रक्रिया है वो होने वाली है। देखिए 12 बजे तक गालिबन यहाँ से निकलेंगे नदवे के लिए, नमाज जनाजा इंशाल्लाह पापा की वहीं होगी नदवे में, फिर वहाँ से 1:30 बजे 1:45 बजे तक फारिग होकर नमाज बाद फिर इंशाल्लाह ऐशबाग लेके जाएंगे तकफीन के लिए। अभी और लोग इंतजार चल रहा है परिवार के लोगों का और आने का कोई? नहीं, मैं ही गया हुआ था दिल्ली एम्स, गया हुआ था मैं, आ गया सुबह, रात में ही चला, सुबह आ गया, और किस और कोई क्या प्रॉब्लम थी लगातार उनको बीमारी की? डायलिसिस चल रहा था 3 times a week, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस चल रहा था। अल्टीमेटली उसका जोर पड़ता है हार्ट पे, और वही हुआ कि लंग्स में इन्फेक्शन हुआ, फिर बैक टू बैक 3 बार कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसमें फिर रिवाइव नहीं कर पाए तीसरी बार। से बात करने के लिए तो आप देख रहे हैं उनके बेटे हैं जो दिल्ली थे लेकिन वापस आए हैं। अब सुपुर्द खाक की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, लेकिन उसके पहले नदवा लेके जाया जाएगा, नदवा कॉलेज में रखा जाएगा, और वहाँ से जब सारे लोग उनके अंतिम दर्शन कर लेंगे तो उसके बाद उसको डेड बॉडी को सुपुर्द खाक के लिए ऐशबाग लेके जाया जाएगा। और उनकी ही शायरी है, बदन चुरा के न चल ए कयामते गुजरा, किसी किसी को तो हम आँख उठा के देखते हैं, जो आँख उठा के देखते थे वो दौर और अलग था, अब दौर अलग है, और अब उन्होंने अंतिम सांस ली है, अब सुपुर्द खाक ऐश बाग में किया जाएगा। कैमरा पर्सन निखिल के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।